नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आपको हमेशा वही चीज़ हम आपसे साझा करते हैं जो कि मैंने महसूस किया है, क्योंकि मेरी भी बेबी है। तो जो चीज़ें कहते हैं ना, जो आपने अनुभव किया हो उस पर आप ट्रस्ट करके उस चीज़ को शेयर कर सकते हैं। तो मेरे चैनल पर इस प्रकार के बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि सभी को इसका फ़ायदा हो। क्योंकि हम बहुत ढूंढते रहते हैं कि इस प्रकार के वीडियो सर्च करते रहते हैं गूगल पे, यूट्यूब पे, हम भी ऐसे करते थे कि कहाँ से सही जानकारी मिलेगी। तो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आप जो स्किप कर दें उसी की आपको ज़रूरत हो, तो वीडियो स्किप मत किया कीजिए। तो चलिए आपको बताते हैं, आज हम ये बात करेंगे कि पेट में जब हलचल होता है ना, बच्चा चलना शुरू करता है, तो कौन सा बच्चा ज़्यादा चलता है, गर्ल या बॉय, और कौन पहले चलना शुरू करता है, इस बारे में मैंने जो महसूस किया है वो आपसे शेयर करेंगे। तो मेरी बेटी थी तो 3 मंथ कंप्लीट हो गया था, बहुत लेट से वो चली थी। तो सब बोले थे कि बेटा होगा, क्योंकि बेटे लेट से चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, बेटी हुई मेरी। तो इसको मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि मेरी बेटियाँ बहुत लेट से चली थी। 4 पूरा हो गया था, 5वां हुआ था, तब मुझे पता चल रहा था कि कुछ पेट पर हलचल हो रहा है। तो कहते हैं कि कौन ज़्यादा चलता है, इस बारे में ह्यूमन फेटल एंड न्योनेटल मूवमेंट पैटर्न्स नामक एक जर्नल थे, उन्होंने 2001 में एक अध्ययन में प्रकाशित किया। उन्होंने अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि लड़के लड़कियों की तुलना में गर्भ में अधिक घूम सकते हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा घूमता है गर्भ में वो लड़का होता है। उस अध्ययन में उन्होंने ये चीज़ पाया। तो 20, 34 और 37 सप्ताह में लड़कियों की तुलना में लड़कों में पैर हिलाने की औसतन संख्या बहुत अधिक थी। तो उन्होंने इस अध्ययन में पाया कि 20वें हफ्ते में 34 और 37 हफ्ते सप्ताह जो चलता है उसमें जो लड़के हैं ना घर में ज़्यादा पैर मारते, ज़्यादा घूमते हैं। उन्होंने इस अध्ययन में ह्यूमन फेटल नाम था उनका, उन्होंने अध्ययन किया तो उनको ये चीज़ रिसर्च में उनको मिला कि लड़के ज़्यादा पैर मारते हैं लड़कियों की अपेक्षा। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आप अगर प्रेग्नेंट हैं तो आपके हलचल में कैसा महसूस कर रही हैं, और अगर आप माँ बन चुकी हैं तो आपने क्या अनुभव किया था। तो मैं अपना बताती हूँ, मतलब लेट से पैर चलाना शुरू की थी बेटी थी मेरी, और बाद में बहुत चलती थी। तो मेरे साथ तो इन्होंने जो अध्ययन किया है वो बताया है, उसके आगे अपोजिट मेरा था, मेरी बेटी बहुत चलती थी और लेट से चलना शुरू की थी। तो सब बोलते थे ये सिम्टम्स आपके बेबी बॉय के हैं, बट मेरी गर्ल है और मैं बहुत खुश हूँ गर्ल पाके। तो बेटी और बेटे में भेदभाव नहीं करनी चाहिए, बेटा हो या बेटू। फिर भी हम जानना चाहते हैं ना कि इन सब चीज़ों को एक महसूस करना चाहते हैं कि ऐसा क्या है, कैसे है, क्यों है ना। ऐसे मैं भी करती थी, और हर कोई यही जो माँ बनने वाली ना, बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत कुछ जानने की इच्छा होती है, बहुत कुछ चाहत होती है ना। तो ये सब के साथ होता है, और हम भी यूट्यूब पे बैठ के देखा करते थे, गूगल पे सर्च किया करते थे कैसे क्या होता है। तो हम अब आप लोगों से हम भी वही साझा करते हैं जो हमने अनुभव किया है, जो हमने एक तरीके से रिसर्च किया है, जानने की कोशिश की है, वही आप लोगों से साझा करते हैं। तो आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं, लाइक भी कर दिया कीजिए, लाइक बहुत कम होते हैं। और वीडियो बनाना हम लोग के लिए आसान काम नहीं है, बच्चों को देखना, घर के काम भी बहुत सारे होते हैं, साथ में अभी आप लोगों को वीडियो एक देनी ही देनी होती है। तो अपना हम भी काम करते रहते हैं, ये भी एक तरीके का जॉब होता है यूट्यूब पे, और आप लोगों को भी जानकारी मिलती है, साथ में हमारा भी कुछ फ़ायदा होता है, क्योंकि फ़ायदे के बिना कोई कुछ नहीं करता। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।